गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स सी टुडे डेसिमल प्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। हियर वन थिंग यू शुड नो, द डिनोमिनेटर एनी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बट दिस क्यू शुड बी इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए ये जो क्यू जो है ना, नीचे में क्यू यदि 2 और 5 के फैक्टर में रहता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और 2 और 5 में नहीं रहता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ऐसे आप इसका दो मतलब यही दो केस होता है, या तो वो टर्मिनेट हो जाए यानी कि डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद कुछ देर के बाद कट जाए, और नहीं तो वो चलता जाए, जिसको कि नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो उसको हम लोग किस तरह से करेंगे, देखते हैं रूल कहाँ पे है। बिल्कुल, ये तो एग्जाम्पल ही है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे रूल नहीं दिए हैं, मैं खुद लिख कर बता दूंगा इसमें क्वेश्चन में जब मैं बनाऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पे 7/8 है, तो 8 से डिवाइड किया गया तो 0.875 आ गया, यानी कि ये 7/5 के बाद मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग हो गया। यदि ये नहीं कटता तो ये होता नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, सो ये देखिए, आप नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे तो पढ़ोगे कि एक ऐसा नंबर होता है जो कि नहीं कटता है और ना ही रुकता है ये, और मतलब रिपीट भी नहीं करता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं उनको इरेशनल नंबर कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्लास के लिए वो है, और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरह से ये जो है टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले तो इजी था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। इसको सिर्फ डेसिमल में करना है। डेसिमल में कैसे करना है, जैसे 1 का ए है 15/4 है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 15 को डिविडेंड लेंगे, 4 को डिवाइजर लेंगे, और इस तरह से 4 डिवाइडेड बाई 15, देन वी विल गेट 3.75 हियर, एंड देन रिमाइंडर विल बिकम 0। सो द आंसर विल बी 3.75। आपको इस तरह से रफ में अपने कॉपी में एक उसी जगह पे रफ करना है जहाँ पे आप बना रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी डिवाइड करके दिखा सकते हैं मेन पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B जो था वो था 21/24, तो इसको भी हम लोग को डेसिमल में करना यानी कि पॉइंट में। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों एक ही टेबल से कट रहा है, तो यानी तो हम लोग पहले सिंपल कर लेंगे, 3 7 जै 21 और 3 8 जै 24, तो 3 का टेबल से कट गया तो ये 7/8 आया। आप 7 में 8 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, आप पॉइंट लगा के तब यहाँ पे 0, उसके बाद 8 जा 64, उसके बाद 64 को घटाएंगे 70 से तो 6 आएगा, फिर 0 आएगा अपने मन से, और 0 एक बार पॉइंट लगाने के बाद 0 हम लोग उतारते जाते हैं, तो 8 7 जा 56, और इस तरह से 60 में से 56 गया तो 4 आया, 4 के बाद 0 बोले कि अपने मन से लगाते जाते हैं जहाँ तक लगे, तो फिर 8 5 जा 40, और ये कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 0.875। सो 0.875 यहाँ पे ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि टर्मिनेटिंग वाला बात जिसमें था, राइट 5 रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा 5 रेशनल नंबर लिखिए जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, यानी कि उसको डिवाइड करें तो वो ऐसा ना हो कि वो चलते जाए नहीं रुके। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, आप डिवाइड करके देख लो, यदि आप जो है 10 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये चलते जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा। डिवाइड करके देखो सभी लोग, 3 3 ज़ा 9 करोगे, 3 से करोगे 3 3 ज़ा 9, तो 9, और उसके बाद फिर से 1 आ जाएगा, और 1 पे फिर नहीं कटेगा तो फिर हम लोग यहाँ पर डेसिमल बैठाएंगे, और यहाँ से फिर 0, तो 3 3 ज़ा 9 फिर से करेंगे, और फिर से ये 3 3 ज़ा 9 चलता ही जाएगा। तो ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल, है ना, ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा यानी रुकेगा नहीं, ठीक है।
तो देखिए मैंने लिख दिया है, नियम फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल डिनोमिनेटर मस्ट बी 2 to the power m n गुना 2m to the power n, यानी कि हमेशा डिनोमिनेटर 2 और 5 दोनों का ही सिर्फ फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ 3, 4, 5 कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए जब उसका हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिखें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/2 था, मैंने अपने मन से लिखा है 1/2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे 5 है कि नहीं? बिल्कुल 5 है। देखिए कैसे है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 इज इक्वल टू, 2 का पावर तो 1 है लेकिन 5 का पावर 0। किसी भी चीज़ का पावर यदि 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है? तो 1 होता है। तो 5 का पावर 0 का तो 1 हो गया, तो ये 1 से, यानी कि 1 को हम लोग कहीं भी रखते हैं, है ना? मतलब देख सकते हैं 1 से गुना करने पर कुछ नहीं होता। उसी तरह से 2/5 है, तो यहाँ पर भी देखिए 5 का, यहाँ पर सिर्फ 5 नहीं है, समझिए कि यहाँ पर 2 भी है, 2 का पावर 0 और 5 का पावर 1। यहाँ पर 20 है, तो 20 को आप लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 करेंगे, 2 2। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं ना, तो 20 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, तो यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 2 10 जा, फिर से 2 5 जा, इस तरह से। तो ये 2 और 2 और 5, इसमें 2 और 5 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, है ना? देखिए तो यहाँ पर भी 2 to the power 2 और 5 to the power 1, 25 का भी उसी तरह, 25 में देखिए फिर 2 छुपा हुआ, 2 का पावर 0 हो सकता है, यानी कि 1, और 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 से हो गया 25, लेकिन 2 का पावर 0 इसमें हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि 2 का पावर 0 का आंसर 1 आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं हुआ, ये सेम द सेम नंबर रह जाता है, इसलिए 1 को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, 1 इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी था कि 5 रेशनल नंबर ऐसा लिखना है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, तो कैसे लिखेंगे? तो ये आपको समझ में आया तो आप अपने मन से और भी कोई नया नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटू फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले तो इसको फ्रैक्शन में करना है, फ्रैक्शन में करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि ऐसा फॉर्म में जिसमें कि फिर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक ही टेबल में ना आए। जैसे 16 यहाँ पर था और 2 1, यहाँ से लेफ्ट से गिनते हैं तो 1 डिजिट और 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था यानी कि डेसिमल था, तो इसको हम लोग 1 पे 2 0 लगाएंगे, जितना डिजिट के बाद डेसिमल होता है उतना 0 लगाते हैं, तो 16/100 हो गया। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 50 जा 100, तो फिर से 8 और 50 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 5 25 जा 50, तो ये 4/25 आ गया। अब दोनों 4 और 25 दोनों एक टेबल में नहीं आता, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को बटा में चेंज करना है, और बटा में चेंज करने के बाद उसको एक जो अगर एक ही टेबल में आ रहा तो उसको कट करते जाना है, और जो सबसे लास्ट में बचेगा वही नंबर को लिखना है, तो इस तरह से इसका आंसर सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो 7.575 है, तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3, 3 डिजिट के बाद है डेसिमल, तो हम लोग 7575 और डिवाइडेड बाय 1 पे 3 0, क्योंकि 3 डिजिट के बाद ऊपर में डेसिमल था इसलिए 1 पे 3 0 लगा। फिर 5 से हम लोग इसको कट करते जाएंगे, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, ये देखिए 7 में लगाए 5 1 जा, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 2 पे 5 आया तो 25, तो 5 5 जा 25 लगा दिए, इस तरह से 1515 ऊपर में आ गया। 5 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे करके देख सकते हैं, 7575 2 बार लिखेंगे और इसको आप 5 से डिवाइड करिएगा तो 15 ही आएगा, 15 15 आएगा, है ना? 1515 आएगा, ठीक है? तो इससे कर देख सकते हैं, फिर नीचे वाले को भी 10 1000 था, इसको 5 से डिवाइड करिए तो 200 आया, उसके बाद फिर से 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा नीचे में, और ऊपर में 303 आ जाएगा, इस तरह से 303/40। ये दो दो क्वेश्चन सब में से आप लोगों को मैंने बनाकर दिखा दिया है, बाकी आपके क्वेश्चन ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, इसमें सी और डी इसमें बचा हुआ है और इधर से सी और डी बचा हुआ है, तो इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद रन थ्रू आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है बनाइए इसमें का।
सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर टुडे. माई क्लास इज ऑफ बट आई एम मेकिंग वीडियो एंड गिविंग यू. प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ गिव मी फीडबैक. प्लीज़ राइट इन कमेंट दो योर नेम दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द क्लास. जो भी बच्चे अपना क्लास इसमें कर रहे हैं अपना नाम लिख सकते हैं कि हाँ वो मैंने बना लिया है, मैंने कंप्लीट किया है. ओके, थैंक यू, बाय बाय.